दक्षिण अफ्रीकी तैराक नेताली टॉट जो 2001 में अपने पहले ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करने की कगार पर थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक ऑटो दुर्घटना के कारण उन्होंने अपना बायां पैर घुटनों के नीचे से खो दिया। आश्चर्यजनक रूप से पहाड़ जैसी यह विपत्ति भी उन्हें रोक नहीं पाई, बल्कि यह चीज शायद ही उनके लिए कभी बाधा बनी हो। उन्होंने पैरालंपिक्स ग्रीष्मकालीन खेलों में अपना दबदबा बनाया और 2004 और 2008 में 10 स्वर्ण पदक जीते। वह अब भी सक्षम तैराकों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। 2003 में ऑल अफ्रीकन गेम्स 800 मीटर फ्री स्टाइल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और आखिरकार 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में क्वालिफाई करके उन्होंने अपना सपना साकार किया। वह महिलाओं की 10 किलोमीटर स्विमिंग में 16वें स्थान पर रही। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं।